जो अपनी क्वेश्चन बैंक दी है स्टेट बोर्ड ने, तो वो उसको आपको एज अ टेस्ट सॉल्व करना है। मतलब उस चैप्टर के ऊपर वो क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वो आप अच्छी तरीके से लिख पाते हो क्या नहीं लिख पाते, मतलब एज अ टेस्ट आपको उसको यूज़ करना है। लेकिन अगर आप एज अ बुक उसको यूज़ करेंगे तो नहीं चलेगा, बिकॉज वो बुक का एक शॉर्ट फॉर्म है। बुक के अंदर अगर आप बुक कर लोगे, पूरा चैप्टर कर लोगे, तो वैसे आप 50 नहीं 100 नहीं 150 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब, स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे हम क्लास 12 का बायोलॉजी सीखते हैं, और आपके लिए गाइज हमने फिर फिजिक्स के वन शॉट भी हम डाल रहे हैं, केमिस्ट्री के वन शॉट भी डाल रहे हैं, ठीक है। मतलब एक वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर लेना, उसको हम बोलते हैं वन शॉट वीडियो। तो वो चल रहे हैं, हम अपलोड कर रहे हैं, क्लास 12 बायोलॉजी का पूरा डिटेल सिलेबस हमने अपलोड कर दिया है। तो गाइज एक सवाल जो सबसे ज़्यादा आ रहा था, या फिर बोल सकते कि एक मैं बोलूँगा कि कमांड आ रहा था स्टूडेंट से कि ये आप सर आप क्या करो, क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन प्रोवाइड करो। मतलब अगर क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन आप प्रोवाइड करोगे तो हमारा पूरा का पूरा स्टडी हो जाएगा, और जो अब तक हमने कुछ नहीं पढ़ा लेकिन क्वेश्चन बैंक करेंगे तो पूरा का पूरा हमारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, एंड हमें एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स आएंगे। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का क्या कहना है कि हमको क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन के ऊपर वीडियो प्रोवाइड करो। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन के भरोसे बैठ रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। मतलब कि कैसा है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा, एक एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप पूरा का पूरा अभी देखो आपको क्या है कि महाराष्ट्र बोर्ड ने क्या किया, आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है, और जो क्वेश्चन बैंक के अंदर जो क्वेश्चन है वो अगर आप करके जाओगे ना तो फ़ायदा नहीं होगा। इसके इंस्टेड ऑफ दैट ओके, आप क्या करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, चैप्टर के अंदर के जो कॉन्सेप्ट है उसके फोकस करो। सर मतलब क्या करना, हमको समझ में नहीं आया। तो क्या करना है, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है हमारा बायोलॉजी का, उसके अंदर एक टॉपिक है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, ओके वो आप सभी को पता है। एंड क्वेश्चन बैंक के ऊपर उसके अंदर एक सवाल है ओके, राइट अ नोट ऑन पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, मतलब पोलन एंड पिस्टल दोनों का इंटरेक्शन का ऊपर नोट लिखो। तो वहाँ पे वो 3 मार्क का क्वेश्चन है, अगर आप वो करके जाते हो, ठीक है, अगर आप वो क्वेश्चन बैंक से करके गए 3 मार्क का, और वहाँ पे लिखे कि कितना पॉइंट लिखना है 3 मार्क के लिए, तो आपने वो करके गया। लेकिन बोर्ड्स में वैसे ही क्वेश्चन है वो आएंगे, इसकी गारंटी नहीं है, वहाँ से आएंगे लेकिन वो घुमा फिरा के आएंगे। तो फिर वहाँ पे निकले, मतलब बोलेंगे कि राइट अ नोट ऑन पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, ये तो सही है, लेकिन वहाँ पे फिर 2 मार्क के लिए बोलेंगे आपको। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि उसके अंदर का पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर का कुछ एमसीक्यू डाल दे, और जो कि उसके इंट्रोडक्शन के पार्ट में हो, वो तो हमने किया ही नहीं। हमने तो सिंपल में, अगर कोई फिनोमिनॉन है सिंपल में, जो एप्लीकेशन हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, उसका इंट्रोडक्शन होता है कि कौन से साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया, कब किया, क्या वैसा वैसा। अगर आपने सिंपल में उसके, मतलब कि वो सिंपल में जो हार्मोन है वो ही पढ़ के गए, आप वो क्वेश्चन से पढ़ के गए, लेकिन अगर वो इंट्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो फिर आपको वो सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए अगर आप कॉन्सेप्ट करते हो तो क्या हो जाता है, आपका 100% वो टॉपिक हो जाएगा। मतलब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का आपने अगर कॉन्सेप्ट कर लिया तो फिर आपको कौन सा भी उसके ऊपर फिर 1 मार्क क्वेश्चन आए, चाहे 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आए, चाहे 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आए, आपको पता चल जाएगा कि 1 मार्क किया है तो इतना लिखना पड़ेगा, 2 मार्क के लिए आया तो इतना, बिकॉज आपके पास पूरा का पूरा नॉलेज है, फिर आप उसको बांट सकते हो। लेकिन अगर छोटा सा नॉलेज है तो अगर बड़ा क्वेश्चन है तो वो फिर वहाँ पे फिट नहीं होगा, मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे क्या लिखे क्या नहीं लिखे, ठीक है। तो ये मेरी सजेशन है आपको कि आप जो है ना वो कंसेप्ट के ऊपर फोकस करो। हम मैक्सिमम वन शॉट वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि आपको कम समय के अंदर कंसेप्ट जो है वो समझ में आए पूरे चैप्टर की, और हम आपके जो एग्ज़ाम है उसके कम, मतलब कि पहले ही 10 दिन पहले ही पूरे वन शॉट वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन बैंक दी है बोर्ड्स ने, उसको आपको एज अ टेस्ट यूज़ करना है। मतलब कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना है, उसके अंदर के कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लेने हैं, और उसके बाद जो अपनी क्वेश्चन बैंक दी है स्टेट बोर्ड ने, तो वो उसको आपको एज अ टेस्ट सॉल्व करना है। मतलब उस चैप्टर के ऊपर वो क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वो आप अच्छी तरीके से लिख पाते हो क्या नहीं लिख पाते, मतलब एज अ टेस्ट आपको उसको यूज़ करना है। लेकिन अगर आप एज अ बुक उसको यूज़ करेंगे तो नहीं चलेगा, बिकॉज वो बुक का एक शॉर्ट फॉर्म है। बुक के अंदर अगर आप बुक कर लोगे, पूरा चैप्टर कर लोगे, तो वैसे आप 50 नहीं 100 नहीं 150 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज क्वेश्चन तो उसी टॉपिक में से आ रहे हैं लेकिन वो घुमा फिरा के पूछेंगे। ये यहाँ पे सिंपल में मैं आपको बताना चाहूँगा, क्वेश्चन बैंक से ही आएंगे लेकिन घुमा फिरा के आएंगे, ओके। सो गाइज यही मेरा एक कहना है कि आप यूज़ करो क्वेश्चन बैंक को एज अ
टेस्ट, ओके, उस चैप्टर के ऊपर कि टेस्ट एज अ टेस्ट उसको यूज करो, उसके अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन बैंक है वो क्रिएट किए हैं, ओके। एंड जो बाकी के सर है, मतलब हमारे यूट्यूब के ऊपर टीचर्स है, रिस्पेक्टेड टीचर्स, तो वो भी डाल रहे सोल्यूशन, ठीक है। तो वो वहाँ पे तो सोल्यूशन आपको मिल ही जाएंगे। तो मैं ये मतलब कि मेरा ये यहाँ पे फोकस रहेगा कि वन शॉट वीडियो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँ, ताकि आपको कम समय के अंदर वो पूरा चैप्टर आपका रिवीजन हो सके, ठीक है। तो यूट्यूब पे हम एज अ ग्रुप, एज अ फैमिली वर्क करना चाहते हैं, हम यहाँ पे कंपटीशन क्रिएट नहीं करना चाहते, मतलब कि एज अ ग्रुप, मतलब कि जो उन्होंने फैसिलिटी दी है वो दे रहे हैं, तो मैं उसके थोड़ा अलग आपको फैसिलिटीज देने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप सभी को एक अच्छा कंटेंट मिल सके, ठीक है गाइस। तो मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि आप एज अ क्वेश्चन बैंक को एज अ टेस्ट यूज करें, एंड अपने पूरे चैप्टर के जो कंसेप्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। फिर बाद में अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे तो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना पड़ेगा। तो गाइज ये थी मेरी आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट है, आप उसके ऊपर फोकस करो। तो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करना, एंड लाइक करना, ये वीडियो को मैक्सिमम शेयर, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी करना, ठीक है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।